अब हमारे तेलंगाना सीएम के पास आता हूँ। वक्फबोर्डों की जायदादों को लूटकर, लोगों के बुनियादों को बेबुनियाद कर, लोगों को डूबता हुआ पानी में छोड़कर, लोगों की जायदादों को जो है ना वक्फबोर्ड से गायब कर, वक्फबोर्ड की कई प्रॉपर्टी को, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को जो है ना वक्फबोर्ड से पेपरा गायब कर, अब दिल्ली में एक तेलंगाना का जो है एक बुनियाद रख रहे हैं। बल्कि दूसरे जगहों पर अब जैसे चार मीनार को आने वाले के लिए पार्किंग है और मंदिर को जाने वाले के लिए पार्किंग है, पर मक्का मस्जिद में जो हमेशा मुसलसिल 5 नमाजें होती है, तो इन मस्जिदों को कौन टारगेट बनाया जा रहा है? कौन अपने मफाद के लिए मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है? कोई दूसरा मजहब या दूसरा पॉलिटिकल लीडर नहीं, आज हमारे ही लीडर हमारे मस्जिदों को वीरान कर दे रहे हैं। मक्का मस्जिद सबसे कदीम मस्जिद हैदराबाद की, जहां पर घोड़सवारों के घोड़ों को रखने के लिए जगह दी गई थी, ताकि नमाजी जब आए तो घोड़े जो है ना उनके वहां पर पार्क कर नमाज पढ़ सके। पर आज हैदराबाद की तारीख और हैदराबाद का मौकूफ यह बन गया है कि मस्जिद में मुसल्ली नमाज पढ़ने से पहले अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहा है, और अगर वो चार मीनार के अतराफ में कहीं पर भी गाड़ी पार्क करता है तो उसको पहले तो रॉन्ग पार्किंग के नाम पर चालान आ जाता है। जो मस्जिद हमेशा भरपूर हुआ करती थी, जहां पर लाखों हजारों की तादाद में लोग नमाजें पढ़ते थे, आज वहां पर चंद सफे ही भरे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? क्या वहां का एमएलए, एमपी या फिर आज की वक्त की गवर्नमेंट? हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रियल वेव मोहसिन एक बार फिर आपके सामने आया हूं। आज जिस तरह से कल एक न्यूज वायरल हुई थी, जहां पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर केसीआर ने दिल्ली में टीआरएस का फाउंडेशन रखा, यहां की बुनियादों को बेबुनियाद कर वहां पर जाकर बुनियादें डाल रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब। यहां के लोग मुसलसिल एक साल से मुतासिर, परेशान हाल, और कई लाशें घरों से निकल गई है और केसीआर साहब के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि यहां पर आकर देख सके। चलिए, एक और मुद्दा यहां पर उठ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की एक रैली हुई जहां पर चार मीनार के पास, जहां पर सैकड़ों लाखों और कई 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 तादाद में लोगों को बताया गया, अब इस मुद्दे पर मैं आपको एक बात ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा, बीजेपी, आरएसएस और कई पॉलिटिकल पार्टीज धर्म भरम, चाहे कांग्रेस भी हो, धर्म भरम की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अगर कोई हिस्सा ले रहा है तो हमारे लोग ही ले रहे हैं। हमारे लोग आज मुसलमानों को मस्जिदों से दूर कर दे रहे हैं, जमातों से दूर कर दे रहे हैं। मस्जिदों में जमात के साथ नमाज जिस तरीके से जो क्रॉड अरेंज हुआ करता था, आज वो अरेंज नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे बोल रहा है, क्या बेस में बोल रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मक्का मस्जिद सबसे कदीम मस्जिद हैदराबाद की, जहां पर घोड़सवारों के घोड़ों को रखने के लिए जगह दी गई थी, ताकि नमाजी जब आए तो घोड़े जो है ना उनके वहां पर पार्क कर नमाज पढ़ सके। पर आज हैदराबाद की तारीख और हैदराबाद का मौकूफ यह बन गया है कि मस्जिद में मुसल्ली नमाज पढ़ने से पहले अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहा है, और अगर वो चार मीनार के अतराफ में कहीं पर भी गाड़ी पार्क करता है तो उसको पहले तो रॉन्ग पार्किंग के नाम पर चालान आ जाता है। जो मस्जिद हमेशा भरपूर हुआ करती थी, जहां पर लाखों हजारों की तादाद में लोग नमाजें पढ़ते थे, आज वहां पर चंद सफे ही भरे जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? क्या वहां का एमएलए, एमपी या फिर आज की वक्त की गवर्नमेंट? तो आप बताइए कि हमारे लोगों को, हमारी यूनिटी को, हमारे लोगों को मस्जिद में जाने से कौन रोक रहा है? आज की गवर्नमेंट रोक रही है, या चंद पैसों के लिए वक्फबोर्ड के जमीनों को खा जाने के लिए, अपने मफाद के लिए हमारे लीडर्स रोक रहे हैं? आज मक्का मस्जिद में आपको जाने से पहले पार्किंग रखने की जगह जो है ना कहीं पर फराहम नहीं की गई है, बल्कि दूसरे जगहों पर, अब जैसे चार मीनार को आने वाले के लिए पार्किंग है और मंदिर को जाने वाले के लिए पार्किंग है, पर मक्का मस्जिद में जो हमेशा मुसलसिल 5 नमाजें होती है, तो इन मस्जिदों को कौन टारगेट बनाया जा रहा है? कौन अपने मफाद के लिए मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है? कोई दूसरा मजहब या दूसरा पॉलिटिकल लीडर नहीं, आज हमारे ही लीडर हमारे मस्जिदों को वीरान कर दे रहे हैं। हमारे पास आज अगर मक्का मस्जिद के बाहर, अब ये मुरीदों को इससे जो है ना बहुत प्रॉब्लम होगा कि ये सोचेंगे कि भाई ये किसको बोल दे रहा है। भाई मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं वजह पूछ रहा हूं कि मक्का मस्जिद की पार्किंग कहां पर है, कहां पर पार्किंग में जो है ना गाड़ी लगाकर अंदर जाने पर चालानात नहीं होंगे। चार मीनार के तरफ कहीं पर भी आप लगा के चले जाओ नमाज के लिए, जोहर, असर, मगरिब, और देख लो फिर आने के बाद आपकी गाड़ी पर चालान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है?
मक्का मस्जिद में इतनी बड़ी पार्किंग, वो पार्किंग कहाँ गई, वो पार्किंग का क्या होने वाला है? आज वो मस्जिद को धीरे 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 जो है ना लोगों को भुला दिया जा रहा है। जुम्मा की नमाज इस तरीके से होती थी कि चार मीनार और गुलदारोस तक लोग जो है ना चले जाते थे। आज कहाँ, आज क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अब हमारे तेलंगाना सीएम के पास आता हूं, वक्फबोर्डों की जायदादों को लूट कर, लोगों के बुनियादों को बेबुनियाद कर, लोगों को डूबता हुआ पानी में छोड़कर, लोगों की जायदादों को जो है ना वक्फबोर्ड से गायब कर, वक्फबोर्ड की कई प्रॉपर्टी को, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को जो है ना वक्फबोर्ड से पेपरा गायब कर, अब दिल्ली में एक तेलंगाना का जो है एक बुनियाद रख रहे हैं। अरे भाई, यहां पर देखो लोग मर रहे हैं, यहाँ पर अब यहाँ बीजेपी की कितनी भी बड़ी पार्टी हो जाओ, रैली हो जाओ, हजार बातें हो जाओ, उनके ऊपर एक केस नहीं होगा। पर आज अगर कोई भी मुसलमान या मेरे जैसा आदमी अगर कोई इसके ऊपर आवाज उठा देगा तो सारे मुरीद मिल जाएंगे जो भाजपा के साइड से भी जाकर लड़ेंगे। तो पहले अपने में यूनिटी रखो मेरे भाई, अपने आदमियों को डराना धमका के उनके जमीनों को और उनके नालों की जमीनों को और तालाबों की जमीनों को कब्जा कर वहां पर उनको जो है ना इलीगल प्लॉटिंग करे बोल के निकालने से पहले आप इतिहाद पैदा करो, करके जो है ना दूसरों से लड़ने की ताकत पैदा करो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान बनाने में मत लगो मेरे भाई, आज पूरे एक होकर दूसरों से लड़ने की कोशिश करो। उस्मान नगर मुसलसिल कई सालों से जो है ना परेशानी के हाल में है, आज बोल रहे हैं कि वो लेक लैंड है और खत्म कर दो। क्या ये इसका कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, कोई तो लीडर आवाज उठाना चाहिए? सब खामोश, सब अपने अपने मफाद में, कोई कहीं पर इलेक्शन लड़ने चले जा रहा है, कोई कहीं पर इलेक्शन लड़ने चले जा रहा है, कोई फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए चले जा रहा है। दिल्ली आपका स्टेट डूब रहा है, आपका स्टेट की आवाम परेशान है और आपको फाउंडेशन की पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम।